मोर पसना के मोल नहीं हो, मोर पसना के मोल नहीं हो, मोर रगत के मोल नहीं हो। काहे कि मोर पसना मोर रगत सक्कू सक्कू मलिकवक बेगारी हो। देहरारी खेखरी मैया पाता मनिक जोगिया बहना मरुआ मनिक भेरुआ देवता छाकी बुंदी चढ़ाई छूट के आज जट्ट से माता नंगना सुनसान हो गई। छोटे से माया ले बांधल हो, हे हमार करम। कहाँ रठ आफंत हुकर कोई नहीं देखै त, कहाँ कहाँ रठ आफंत हुकर कोई नहीं देखै त, जब जब मुआर घरम घरक चूल्हमा आफत आइत, कबू काल समय के प्रभाव गलत आइत, वर्तमान दोषी बन के फेन विगत आइत। कहाँ कतरा हुईल खैल गानी बुझे नै सक्नु। झट्ट हेरबोट लागा तुहिन एक विश्वविद्यालय हस, सयौं हजार झट्ट हेरबोट लागा तुहिन एक विश्वविद्यालय हस, सयौं हजार। आज के साहित्यिक कार्यक्रम हमरा शुरू करे जाइ थी, सबको जनन है राम राम, नमस्कार बा। बातचीत घर से शुरुआत फिल ई कार्यक्रम हमरे प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार बिहान के 7 बजे साहित्यिक कार्यक्रम कैना कना निर्णय करगिल बा। वही कार्यक्रम अंतर्गत हमरे आज बातचीत घर के 5वां श्रृंखला के कार्यक्रम में बाटी। इन से पहले हमार बातचीत घर के साहित्यिक कार्यक्रम उस्त के विभिन्न सेक्टर में काम करती रहल पहुना हुकन है नान के, वहाँ हुकन संग अंतरक्रिया इंटरैक्शन प्रोग्राम हमरे कर सकल बाटी। हमरा सोच का हो कले से महीना के अंतिम शनिवार से साहित्यिक कार्यक्रम साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रम करना र ऊ बाहेक के बीचे कौनो फेन कार्यक्रम धरे सक जाए जमने चाहे हमरे पहुना हुकन है नान के, वहाँ हुकन से बातचीत बटवाब कना हमरे ई दुई ठो खाल के सोच बना के बातचीत घर शुरुआत कर ले बाटी। हमार कार्यक्रम आज फेसबुक लाइव फिर हुईटा पहिलो पटक, ई फेसबुक लाइव हेरती रहल संघरिया हुकरे मनकारी दाता हुकरे चाहे ई कार्यक्रम है आउट दिगो बनाए के लाग निरंतर रूप में आगे बढ़ाए के लग सहयोग करही कना फिर हमरे अनुरोध करती। र हमार कार्यक्रम में आज कुछ विशेष व्यक्तित्व हुकर आयल बाट, बहुत जने तो हमरे नियमित अना संघरन फेन बाटी यहाँ, तर आज जस्ते पहिलो पटक कुछ विशेष व्यक्तित्व जस्ते हमारे यहाँ राजकुमारी मैडम आज पहिलो पटक आयल बाटी। वहाँ ही हमरे इन से पहले माफ कर भी हमरे साथ विश्राको गिल रही कि तर हमरे फिर समझ के वहाँ है बलैले बाटी। वहाँ के बातचीत घर प्रति के एक ठो माया सद्भाव हमरे ओ सहयोग के लाग हमरे चाहे सपोर्ट करक लाग फेन राजकुमारी मैडम यहाँ आयल बाटी। वहाँ एकदम ढेर कार्यक्रम में स्वागत बा। कृष्ण कुसुमिया सर फेन यहाँ आयल बाट, शुरू से सहयोग करती आयल संघरिया हुई र आज की कार्यक्रम में पहिलो पटक आयल बाट, वहाँ ही स्वागत बा। रमै जेकर फेन नाम यहाँ नहीं लिहे ठूँ सक्कू जना जमा सहभागी संघरिया हुकर चाहे यहाँ आयल बाटी, सक्कू सक्कू जनहन है स्वागत बा। रई कार्यक्रम है शुरू से संचालन करूँ या ई कंसेप्ट में हमरे काम करूँ या संघरन बाटी, जस्ते बातचीत घर के बरघरिया अब ठाकुर करिया प्रधान जी बाट वहाँ यहीं बाट वस्त के हमार टीम के बसंती जी बाटी, सानू जी, उन्नति जी, सागर जी, मंगल जी, शिव भाई लगायत के ई टीम वस्त के राज जी हमार फोटो वीडियो लेकर न हमरे ने सहयोग करती रह सक्कू जनन है। रचना लेके यहाँ आयल हमार समुदाय के र पहाड़ी समुदाय के संघरन जे चाहे कार्यक्रम में जाए परत कैकन यहाँ आयल बाट आज अपन समय निकाल के सक्कू सक्कू जनन है कार्यक्रम में मई आज स्वागत करना चाहतूँ। अब हमरे हमार रचना वाचन के क्रम है जोरा जाइटी मही लागत मैं यहाँ बैठल बाटू कले से शुरू में मही एक ठो कविता सुनाऊ कि मोर कविता के शीर्षक बा मोर माटी। मोर पसना के मोल नहीं हो, मोर पसना के मोल नहीं हो, मोर रगत के मोल नहीं हो। काहे कि मोर पसना मोर रगत सक्कू सक्कू मलिकवक बेगारी हो। कैया कुचिल अंधरिया रात में मोर आँखी निदैना से पहले मोर पंजरे ढिपढिप दिया बुझ जाए। काहे कि ढेबरिक टेलक फे मलिकवा मोल लगैले बा।
काहे कि ढेबरिक टेलक फे मलिकुआ मोल लगैले बा जोगनिया आइट अपन पूछी बढ़ती ओकर झिमिक झिमिक बत्ती में मैं देखूँ ओकर झिमिक झिमिक बत्ती में मैं देखूँ शहर में मलिकुआ घर जग जग ओझरार बा ओ सोचूँ मलिकुआ बस में रहते जोगनिया ओझरार के फे मोल लगैने रहे मोर खरिया ढिकरी रोटी मोर खरिया ढिकरी रोटी खुरमा फुलौरी मोर खरिया ढिकरी रोटी खुरमा फुलौरी कुठली खाली ना होए सोच के पेट नहीं भरत मजा से काहे कि मोर कलुआ मिछनी बेरिक मलिकुआ मोल लगैले बा मोर कलुआ मिछनी बेरिक मलिकुआ मोल लगैले बा भूखायल पेट किल नहीं हुआ भूखायल हड्डी में छटपटैटी मैं देखूँ मलिकुआ रोज रोज रात्रि भोज करत वो सोचूँ मलिकुआ बस में रहते मोर लेना सांस के फें मोल लगैने रहे पूस माह के जार में भुयम पैरक गद्दा पूस माह के जार में भुयम पैरक गद्दा पूस माह के जार में भुयम पैरक गद्दा काहे कि मोर नींद के फें मलिकुआ मोल लगैले बा काहे कि मोर नींद के फें मलिकुआ मोल लगैले बा हाली बिहान होए घाम लागे घाम तापम कना बतिया हेरती मैं देखूँ बतिया हेरती मैं देखूँ मलिकुआ गुदरी फेंका के डंडूर हीटर में सुटल बा वो सोचूँ मलिकुआ बस में रहते दिनक घाम तपलक फें मोल लगैने रहे ई माटी मोर आजा आजी बुडू बुडिक बनाइल हो ई माटी मोर आजा आजी बुडू बुडिक बनाइल हो मलिकुआ डुरुआ के मोर बाबा दाई से छिनल हो ई माटी मही चाहल बा ई माटी मही चाहल बा काहे कि जियत सम छुटू मुटू झोपड़ी बनाइक लाग मुँह जैम ते इहे माटी में गारक लाग मोर ऊँचाई बराबर के चाहल बा जेकर मलिकुआ महा महंगा मोल लगैले बा नहीं हो हाँ नहीं हो मोर रगत के मोल नहीं हो नहीं हो मोर पसना के मोल नहीं हो काहे कि मोर रगत मोर पसना सक्कू सक्कू मलिकुआ बेगारी हो एकर पाछे रचना वाचन हे हमरे जोर जाइटी हमार सहभागी संग्रह हुकरे तैयारी अवस्था में रवि उनसे पहले चाहे हमरे साहित्यिक कार्यक्रम काहे करटी कना बारे में थोड़ से बटवा लूँ हमार साहित्य के अवस्था का बा कना चीज हमरे बुझलिए हमरे साहित्य में कहाँ बाटी आज थारू साहित्य के बात हेर भी कले से बहुत कम लिख गिल बा वही बहुत कम लिखना संग्रहन बाटे तब मारे चाहे साहित्य लेखे परट साहित्य नहीं लिखले से हमारे इतिहास हेरा जाए हमार पहचान हेरा जाए हमार सब कुछ चीज हरा जाए तब मारे हमरे के हुई टी कह के बचाइक लाग बटाइक लाग हमारे इतिहास है हमार पहचान है हमारे अस्तित्व है जोगाइक लाग चाहे साहित्य रचना करे परत कना सोच ले कार्यक्रम आयोजना कर ली रहा हमरे खास कह कन विद्यार्थिन है युवा हुकरे जे पढ़े लिखे जन थे वहाँ हुकरे लिख कन वहाँ हुकरे पढ़ कन अपन साहित्य में हमार समाज के बात लाने से किट कई कन ई कार्यक्रम के हमरे सोच बनाइल हो रे फिर हेर भी कल से हमार साहित्य कहोर जाइटा वही ढेर से चाहे हमारे देखती माया पीरती के बात के ढेर लिख देना क्या माया पीरती के बात नहीं लिखे पर अटकना नहीं हो तर का हो कल से हमार मुद्दा का हो ऊ चीज है चाहे हमारे कभी फिर बिसराई नहीं पड़त हमरे के हुई टी कना चीज कभी नहीं बिसराई पड़त और ऊ चीज साहित्य में आई पड़त कना सोच ले हमरे ये कार्यक्रम आयोजना कर ले बाटी र अब मैं यहाँ रचना वाचन के लाग साहित्यकार संग्रह है यहाँ निम्तेना चाहतूँ शुरू में मैं यहाँ साहित्यकार सागर कुसमी जीव है वहाँ के रचना वाचन के लाग निम्तेना चाहतूँ महतान अंगना सुनसान हो गए छुन छुन मंजिरक छनकार छुन छुन मंजिरक छनकार घेल्टुंग घेल्टुंग मंद्रकटार ठुमुक ठुमुक पुट्ठा डुमकैना उलर उलर मंद्रा बजैना ऊ हेरी महतान अंगना सुनसान हो गई देहरारी खेखरी मैया पाता मनिक जोगिया बहुना मरुआ मनिक भेरुआ देवता छाँकी बुंदी चढ़ाई छूट के आज जट्टी से महतान अंगना सुनसान हो गई
महतान बुढ़ी गोरी बिने छोड़ देली, महतान बुढ़ू छत्री बिने छोड़ देली, मुरहिनिया काकी गीत गाई छोड़ देली, नचुनिया भौजी मंजिरा छनकाई छोड़ देली, जत्ति से आज महतान अंगना सुनसान हो गई। बड़का दादू मंद्रा बुझाई छोड़ देली, घरे काम करुआ कोई नहीं हुई, गोरु भैंस हेरुआ कोई नहीं हुई, बरकान बुढ़ू अकेली धंधा करत करत अटिया गैला, फुरे से आज महतान अंगना सुनसान हो गई। आई मोरहिनिया काकी, आई नचुनिया भौजी, आई मंदरिया दादू, सब कुजे बूढ़ी बूढ़ू टीडी बाबू आप फिर से गाँव चैनार कैनाबा, फिर से गाँव चैनार कैनाबा, सख्या झुमरा हुरदुंगवा नाच नाच के पगडुई पगडुई मंदरा बोला के झाल मंजिरा कस्तार छनका के सक्कु हुन रहा रंग रंगित के गाँव चैनार कैनाबा अंगना चैनार कैनाबा फुरे से जागिया कहे कि माता अंगना सुनसान हो गई। धन्यवाद। धेर धेर धन्यवाद सागर कुस्मीजी, बहुत मजा कविता प्रस्तुत कैके गए बाट। एकर पाछे मई अपन रचना वाचन कर देख लाग गौरी चौधरी जीव हे यहाँ निम्तेना चाहटू। एक तो जोरदार ताली बजा के वहाँ के बलाई सबको जान हे मोर तरफ से राम राम। मई गौरी चौधरी मई चाहे अपन हे लिखट नहीं आए कि मैं और जहन के लिखल चाहे पढ़थु कब का मई शुरू कर जाए छोट मोट मुक्टक से। फुला फुलट कहाँ कहाँ बास आइट यहाँ, फुला फुलट कहाँ कहाँ बास आइट यहाँ, टू बाटो कहाँ कहाँ तुम्हार याद आइट यहाँ, टू बाटो कहाँ कहाँ तुम्हार याद आइट यहाँ। हजुर अनि अस्टेके फेन से दुई लाइन मई कहम। असार महीना के सिमसिम पानी, असार महीना के सिमसिम पानी कैसिन कैसिन लागत, असार महीना के सिमसिम पानी कैसिन कैसिन लागत, जब मैं ई बातचीत घर में बात करेनु त इंदु दीदी के बात सुनती मजा लागल। हजुर पानी नहीं रही तो लडिएक का काम, पानी नहीं रही तो लडिएक का काम, आँस नहीं रही तो आँखी का काम, दिल नहीं रही तो धड़कन के का काम, दिल नहीं रही तो धड़कन के का काम, अगर मैं अपने हे ठोर से फिर याद नहीं करम तो हमारी बातचीत के का काम। देव धन्यवाद गौरी चौधरी बाबू हे अपन रचना साभार करल रचना यहाँ सुना के गेल बाटी। अब एक लाग मैं यहाँ अपन साहित्य वाचन के लाग चंद्र चौधरी जी हे निम्तेना चाहटू। कृपया ताली बजा के वहाँ हे स्वागत करिए। धन्यवाद। छोटे से मायाले बांधल हो हे हमार करम, एक जन्म नहीं हो सैया सात जन्म तक मिलना हमार धर्म हो मिलना हमार धर्म। तू हो भूरा मैं हूँ भूला, मोर करम के तू दुल्हा, तोहार आस हीरा बने मोर आस पानी, तोहार आस हीरा बने मोर आस पानी, जैसे के कुस्त बटही परी बाकी जिंदा गानी। मैं कोनो गायक कोनो कवि कोनो गजलकार तो नहीं हूँ, तब फिर थोड़ा प्रयास करत हूँ सीखत हूँ गुमनिया करत हूँ। सबसे पहले बातचीत घर के संपूर्ण यहाँ उपस्थित श्रोता संग्रहण है हेरिया संग्रहण मोर तरफ से चंद्र चौधरी चांद के तरफ से स्वीकारी राम राम। मैं एक ठो पीड़ा उ पीड़ा गैल स्थानीय चुनाव के बेला में मैं वार्ड से उठल रहूँ, तो वो वार्ड से मैं उठ के जोन के मैं पीड़ा हुई उ पीड़ा मैं एक ठो गज़ल मार्फत मैं अपने पेश कर रहा हूँ। मैं स्पेशली राजनीतिक वो हो शायद मैं पहलो चोरी अनुभव कर लूँ कि राजनीति कना ऐसी हो। आयल चुनाव अपने मन से हँसो पहनो, आयल चुनाव अपने मन से
हँसुआ पहनूँ, गैल चुनाऊँ अपने मन से ठगुआ पहनूँ। अपने मनई पराई ही नहीं, पराई मनई अपने ही नहीं। अपने मनई पराई ही नहीं, पराई मनई अपने ही नहीं। गैल चुनाऊँ अपने घर गोटारिन से दूर भगवा पहनूँ। आयल चुनाऊँ अपने मन से हँसुआ पहनूँ, गैल चुनाऊँ अपने मन से ठगुआ पहनूँ। केकरो आँखी कसिंगर तो केकरो बाटक फटिंगर बन के, केकरो आँखी कसिंगर तो केकरो बाट के फटिंगर बन के। गैल चुनाऊँ अपने गाँव मन से घेरवा पहनूँ, आयल चुनाऊँ अपने मन से हँसुआ पहनूँ, गैल चुनाऊँ अपने मन से ठगुआ पहनूँ। मत बटले से फे मन काहे बटना, मत बटले से फे मन काहे बटना, रीस राग से मन काहे सटना। गैल चुनाऊँ अपने मन से फँसो पहनूँ, आयल चुनाऊँ अपने मन से हँसुआ पहनूँ, गैल चुनाऊँ अपने मन से ठगुआ पहनूँ। अधिकार वो पहचान वो विकास की फूला लगाई बेला, अधिकार पहचान वो विकास की फूला लगाई बेला। गैल चुनाऊँ अपने मन संग्रहण से बिया समझ के फेंको पहनूँ, आयल चुनाऊँ अपने मन से हँसुआ पहनूँ, गैल चुनाऊँ अपने मन से ठगुआ पहनूँ। ई का करे भी कना मई बात बुझे भर, राजनीति कना का हो कना बुझे भर मैं लागल। ई नेपाली में कहना चाहता हूँ मैं, गजब को राजनीति, गजब को राजनीति। नीति को माथी राज करने एक इलेक्शन हो, गजब को राजनीति। टिकट खरीद बिक्री करने कैश कलेक्शन हो, गजब को राजनीति। हीरो र भेन बीच जय होने इंटरनल एक्शन हो, गजब को राजनीति। ठूला बड़ा पैसा र पावर को डायरेक्ट कनेक्शन हो, गजब को राजनीति। नेतालाई जनताले गर्ने ओपन रिएक्शन हो। तो पक्कै फे हमरिन है एक ठो मोरी सोच हो, अब मैं सुनने लेबी। और टाइम में एक ठावर करना चाहतु मैं, अधिकार र पहचान को आवाज़ उठाउँदा, अधिकार र पहचान को आवाज़ उठाउँदा। टीकापुर घटना घटाइन्छ भने आत्मरक्षा र बचाउको आवाज उठाउँदा। बर्दिया कि नबिनामाथि गोली चलाइन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन, मेरो भन्नु केही छैन। किनकि अब जनताले विद्रोहको बिगुल फुक्ने छन्, अब जनताकै अगाडि एक दिन दुश्मन झुक्ने छन्। भौगोलिक सांस्कृतिकको आधारमा प्रदेशको आवाज उठाउँदा, भौगोलिक सांस्कृतिकको आधारमा प्रदेशको आवाज उठाउँदा। जातिको जातीय राज्यको आरोप लगाइन्छ भने माया प्रेमको र सद्भावको आवाज उठाउँदा। देशद्रोही र डकैतीको मुद्दा लगाई जेल पठाइन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। किनकि अब जनताले नै पहिचान र अधिकारको झन्डा बोक्नेछन्, अब जनताले नै बलिदान र शहीदको भागभन्दा खोज्नेछन्, शहीदको भागभन्दा खोज्नेछन्। धन्यवाद। अन्तमे जैती जैती मै बातचित घरके, बातचित घर हे शुभकामना दिती मै बिदाई तुँ। बातचित घर अन्यायके विरुद्ध आवाज उठाइना चिराकी बने, बातचित घर अन्यायके विरुद्ध आवाज उठाइना चिराकी बने। बातचित घर न्याय पहिचान अधिकारके मुद्दा संसद भवनसम्म पुगेना हुलाकी बने। बातचित घर थारू भाषा साहित्य कला गलाके उपहार बने। बातचित घर नुकल लिखुइया गौइया बलुयनके बाहर निकर्ना दवार बने। बातचित घर गीत गजल झुमरा सखिया धमार केलक अंगना बने। बातचित घर दुख बिसरेना कला गलाके पवित्र मन्दिर बने। बातचित घर मन ही बुझेना साहित्यकार कलाकारनके तकदीर बने। धन्यवाद। सबके तकदीर बने। धन्यवाद चन्द्र चौधरी चान्दज्यू उहाँके साहित्य वाचनके लागि। एकर पछि मै दोसर साहित्यकार संग्रह है यहाँ निम्तेना चाहटु, उहाँ कविता प्रस्तुत करे आइडी मीना बुढाज्यू हे मै यहाँ मञ्चमा निम्तेना चाहटु। कृपया थप्टी बजा देबी। धन्यवाद सञ्चालिका दिदी, आदरणीय यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा अग्रज व्यक्तित्वहरू साहित्य मनहरू, मेरो तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो नाम मीना बुढा, मेरो घर चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा, म अहिले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्र।
आज मैले सानो कविता लिएर आएकी छु। म कुनै साहित्यकार कवि पनि होइन, कवयित्री पनि होइन, सानो लेख्ने प्रयास मात्र गरेकी छु। कस्तो लाग्छ सुनिदिनु होला, सुन्नुहुनेछ, मन पराउनु हुनेछ भन्ने आशा पनि गरेकी छु। आकाश मुनि ओत लागेको मेरो खरले छाएको घर, बस्थे म आकाशमा हेरी नमानेर कुनै डर, सोची बस्थे यो छानोलाई टिनाले छाउन पाए हुन्थ्यो, खानालाई धौधो परेको भनेर सम्झे मन रुन्थ्यो, त्यो मेरो सानो झुपडीलाई देख्दैन थे कसैले नि, पिठी उमा बोकी भोट हलाउने गाउँको नेताले पनि, धेरै सपनाहरू बटुलेर बसेकी थिए म त्यहाँ, कसैले नचिन्ने कसैले नदेख्ने बस्ती थियो जहाँ, झरी पर्दा तप तप पानी बस्नलाई ठाउँ नहुने, लाग्थ्यो हामी गरिबले कहिलेसम्म होला टिनको छानो पाउने, वर्षौँसम्म दुःख गरी खेतमा महिनौसम्म खान नपुग्ने, विदेशीका युवा पनि सबै सकुशल घर नफर्किने, थिएन त्यहाँ कुनै उपचार घर घर गर्ने वृद्ध आमालाई, थिएन कुनै विद्यालय गरिबको बालकले पढ्नलाई, देख्थे समाज सुस्त थे तब हामी कसरी बाँचेका छौँ, धेरै सपना इच्छा चाहनाहरू आफै भित्र साँचेका छौँ, धेरै सपना इच्छा चाहनाहरू आफै भित्र साँचेका छौँ। धन्यवाद। त्योर त्योर धन्यवाद मीना बुढाजीले, बहुत मजा मीठ स्वरमा अपन रचना वाचन कैकन गेलबाटी यहाँ से एक पाछमै रचना वाचन करदेहेकला शिव कठरियाजी हे यहाँ निम्ति न चाहटु। धन्यवाद सञ्चालिका दिदी। होइन त मै साहित्य क्षेत्रमा एकदम पाछे रहल मनै हुँ, तर जबरे सबै प्रयास गर्ला दु कहे परल, अब लागत बातचित घरके कारण एक दुई सालमै राइटर फे बन्जिम। जैसिन रहे स्वीकार देवी। कबू ओजरिया त कबू अंधरिया, कबू ओजरिया त कबू अंधरिया है जिंदगी मोर, मन के बैठा कोई नहीं बुझत, कबू ओजरिया त कबू अंधरिया है जिंदगी मोर, मन के बैठा कोई नहीं बुझत, लुग्गा बा फाटल हाथ बा खाली शायद तभे हुई कोई नहीं मानत, कबू ओजरिया त कबू अंधरिया है जिंदगी मोर, कबू ओजरिया त कबू अंधरिया है जिंदगी मोर, मन के बैठा कोई नहीं जनठाई, लुग्गा बा फाटल हाथ बा खाली शायद तभे हुई कोई नहीं मनठाई, स्वार्थ घमंड और लालच में डूबल ये संसार, स्वार्थ घमंड और लालच में डूबल ये संसार, मौसम मौसम से हाली तो मने बदल ठाई, झूठ फरेब और धोखा के सीमा कब का मेट गिलबा, झूठ फरेब और धोखा के सीमा कब का मेट गिलबा, सेवा में फे मने हरेक कदम अपन स्वार्थ के लग चल ठाई, तर मन कहट बनैना बा तो अपन व्यवहार मजा बनाऊ, तर मन कहट बनैना बा तो अपन व्यवहार मजा बनाऊ, महंगा कपड़ा तो दुकान में पुतला फेंकल थी। धन्यवाद। धन्यवाद शिव कठरिया जी, वहाँ के रचना वाचन के लायक एक पाछे अपन रचना वाचन कर देख लायक मैं यहाँ सानू चौधरी जी हे निम्तेना चाहूँ।
एकर पाछे अभिन रचना वाचन हमार बाकी बा हमार उन्नति चौधरी जी, प्रवीण चंद, कोपिला शर्मा, कृष्ण कुसुमिया लगायत के संगठन के रचना वाचन पली बा अब एक लाख सानू चौधरी जी हमार मंच में आयल बाटी। धेर धेर धन्यवाद संचालक सोंगरिया। मैं उसी धेर साहित्य लिख नहीं जानतू, शुरुआत से मैं गजल से शुरू करल रहूँ। हमार थुमरार साहित्य बखेरी से शुरुआत हुई लखुमा गजल यात्रा। अब चाहे मैं एक ठो और जनक लिखल गजल हो, मैं साभार करके चाहे सुनाई चाहूँ। हमार समीर मौरती लमजुंग के वहाँ के लिखल गजल में एकदम मन परत, तो अब मैं वहाँ की गजल चाहे सुनाई अनुमति चाहूँ। कबूकाल समय के प्रभाव गलत आइट, कबूकाल समय के प्रभाव गलत आइट, वर्तमान के दोषी बन के विगत आइट। खर्च के केलक एकलौटी राज चलती रहती हाँ, खर्च के केलक एकलौटी राज चलती रहती हाँ, प्रतिस्पर्धा न आमदानी न बचत आइट। कबूकाल समय के प्रभाव गलत आइट, वर्तमान के दोषी बन के फेन विगत आइट। कहाँ रठ आफन्त हुक्र कोई नहीं देखै त, कहाँ कहाँ रठ आफन्त हुक्र कोई नहीं देखै त, जब जब मुआर घरम घरक चूल्हमा आफत आइट। कबूकाल समय के प्रभाव गलत आइट, वर्तमान दोषी बन के फेन विगत आइट। ई बजेटले अनाथालय बनही कि मंदिर बनही, असौँ कि बजेटले अनाथालय बनही कि मंदिर बनही, आप हेर पर्ना बा क्याकर पक्षमा बहुमत आइट। कबूकाल समय के प्रभाव गलत आइट, वर्तमान दोषी बन के विगत आइट। धन्यवाद। धन्यवाद सानू चौधरी जी अपना वाचन के लायक। एक पाछे फिर मैं दोसर साहित्यकार संग्रह है यहाँ निम्तेना चाहूँ। अपन रचना वाचन कर देख लायक, मैं यहाँ कविता प्रस्तुत करक लायक प्रवीण चंद जी के निम्तेना चाहूँ। एक चो जोर से थपड़ी बजा के वहाँ ये स्वागत कर। सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो नाम प्रवीण चंद, कैलाली बहुम कैंपस में दोसरो सेमेस्टर में अध्ययन करना सुरू करते धेरै त लेख्दैन। आज खुशी लागेको छ, पहिलो पटक आफ्नो मातृभाषा बाहेक अर्को भाषाका कविताहरू पनि सुन्न पाउँदा र केही भाषिक ज्ञान पनि बढेको अनुभव भएको छ र यसको लागि बातचीतहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो कविताको शीर्षक अस्त कि व्यस्त रहेको छ। कृपया सामाजिक सञ्जालबाट हेर्नुहुने र यहाँ हुनुहुने कसैलाई अन्यथा लागेमा यो शब्द मात्रै हो भनेर बुझिदिनु होला। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। घन्टी बजिरहन्छन् पोसाकमा सपना सजाएर आउनेहरू दैनिक आइरहन्छन्, पढाउनेहरू पढाइरहन्छन्, हुन त पढ्ने पढाउनेले मात्र नहुँदो रहेछ, पढ्नेहरू जेनतेन पढिहाल्दा रहेछन्, पढाउनेहरू बाटो नबिराई पढाउँदा रहेछन्। जीवन बन्नलाई त आजीविको आधार चाहिन्छ, त्यही आधार दिनेहरू अचेल अस्त न व्यस्तको स्थितिमा छन्, त्यही आधार दिनेहरू अचेल अस्त न व्यस्तको स्थितिमा छन्। व्यस्त मानौ धमाधम विद्यार्थी शून्यताको स्थितिमा छन्, अस्त मानौ ठुला ठुला भवन सजिएका छन्। शब्द खेलाएर मात्र जीवन चल्दैन नि, शब्द खेलाएर मात्र जीवन चल्दैन नि, डिग्रीकै प्रमाणपत्रले सबथोक चल्ने भए, डिग्रीकै प्रमाणपत्रले सबथोक चल्ने भए आज बाह्र कक्षा पास नहुँदै अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा किन सोध्थे, आज बाह्र कक्षा पास नहुँदै अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा किन सोध्थे। प्रमाणपत्र बिक्री केन्द्र जस्तै बन भएर व्यस्तताको चाप बढाउनुभन्दा, प्रमाणपत्र बिक्री केन्द्र जस्तै भएर व्यस्तताको चाप बढाउनुभन्दा, अक्षरलाई जीवनको मूल्यसँग गाँस्दै अलिकति आशा भर्नलाई त व्यस्तता बनाउनु, अक्षरलाई जीवनको मूल्यसँग गाँस्दै अलिकति आशा भर्नलाई त व्यस्तता बढाउनु। भुक्तभोगीहरू भोगिरहन्छन्, भुक्तभोगीहरू भोगिरहन्छन्, सुनिदिनेहरू सुने झैँ गर्छन्, देख्नेहरू देखे झैँ गर्छन्, सुने झैँ र देखे झैँ गर्नु पनि व्यस्तता हो,
सुने जाएं र देखे जाएं गर्नु पनि व्यस्तता हो सायद बसालेको थिति हो कि बसाइएको थिति सायद बसालेको थिति हो कि बसाइएको थिति भविष्यका खम्बाहरू बनाउने स्थलहरू भविष्यका खम्बाहरू बनाउने स्थलहरू अचेल अकस्मात सङ्कटमा पर्दैछन् सङ्कटबाट बचाउने कि सङ्कटासन्न बनाइराख्ने सङ्कटबाट बचाउने कि सङ्कटासन्न बनाइराख्ने सोच्ने बेला भएन र सङ्कटबाट बचाउने कि सङ्कटासन्न बनाइराख्ने सोच्ने बेला भएन र धन्यवाद धन्यवाद कविता वाचन खेलाग प्रवीण चन्द जुहे एकर पाछे रचना वाचन करे यहाँ आलेख लाग मै बातचित घर के अघरिया उन्नति चौधरी जुहे मंच में निम्ते न चाहटूँ एक सौ जोर से थपड़ी बजा के वहाँ है धन्यवाद मैं चाहे साहित्यकार तो नहीं हुई थूँ तर फेन बाबू भैयान के कविता सुन के मैंने फिर रहर लगलस छोट मोट मई फे एक ठो सीखू नहीं थे कहीं के कहला खो ओकला इंदुजी मैंने ठाउ दे दी ओकला धीरे धन्यवाद मोर एक मई का लिख ले तू मीन अपने पता नहीं हो कविता हो कि गजल हो कि मुक्त हो ये पता नहीं हो मीने नहीं अपने उपये से छुट्टिया देवी ये मोर एक पहलो प्रयास हो मोर एक कविता के शीर्षक बा हो ये देश मालिक हुकरन के हो मानो ये देश मालिक हुकरन के हो मानो ये देश मालिक हुकरन के हो यहाँ मालिक हुकरे जा कथई वह चलत यहाँ मालिक हुकरे ज्या बोल थाई वहे चलत काजे कि ई देश मालिक हुकरन के हो हमार बूढ़ी बुडू ओ दाई बाबा हमार बूढ़ी बुडू ओ दाई बाबा हुकरे यहाँ गजीन बनवा फार फार के बैठलें हमार बूढ़ी बुडू ओ दाई बाबा हुकरे यहाँ गजीन बनवा फार फार के बैठलें मलगर खेतवा बनैलें मने कुछ शासक हुकरे उहे खेतवा में नजर लगैलें हमार बूढ़ी बुडू हुकरे गजीन बनवा फार फार के बैठलें मलगर खेतवा बनैलें मने यहाँ कुछ शासक हुकरे उहे खेतवा में नजर लगैलें उ खेतवा में बड़ा बड़ा तेरा के देखैलें अनि हमार बूढ़ी बुडू ओ दाई बाबा के पसीना सक्कू लूट लेलें शासक हुकरे बड़ा बड़ा तेरा देखैलें ओ उ हमार बूढ़ी बुडू ओ दाई बाबन के पसीना फिर लूट लेलें हमार खेतवा में धर्म संस्कृति के नारा लगैलें वह जमीन में हमरीन है दास बनैलें हमार खेतवा में धर्म संस्कृति के नारा लगैलें वहे जमीन में हमरीन है दास बनैलें मानो ई देश मालिक हुकरन के हो मालिक हुकरे जा के थई वह चलत धन्यवाद बहुत धन्यवाद ओ बधाई बा उन्नति जी हे वहाँ ई मोर पहिलो प्रयास हो लेखना कहके कलेबटी टन फेन अठारह मीठ कविता प्रस्तुत कहके गैली उसके ई कार्यक्रम हेर के सुन के लौवा लौवा भैया बाबू ने फेन लेखना जांगर आए कना फेन हमरे कामना करती अब एकलाग अपन रचना प्रस्तुत कर देखलाग मैं यहाँ कोपिला शर्मा जी हे निम्तेना चाहूँ कोपिला जी वहाँ दूर बैठी टोन फेन वहाँ अट्रा क्रेज बाटिन साहित्य प्रति की अट्रा दूर से फेन आयल बाटी हमारे कार्यक्रम में और समुदाय के संग्रह हो के फेन थारू साहित्य है थारू साहित्यिक कार्यक्रम है माया करक लाग सपोर्ट जनाक लाग आज आयल बाटी कोपिला जी के लागे एक जोर से थपी बधाई ना जिंदगी लम्हा हुई कि कहानी बुझे नहीं सक्नु जिंदगी लम्हा हुई कि कहानी बुझे नहीं सक्नु आँखी में जो जा हो या पानी बुझे नहीं सक्नु पीर के मूल फुटल मैया के प्यास नहीं मेटी पीर के मूल फुटल मैया के प्यास नहीं मेटी मैया के प्यास नहीं मेटी पीर के मूल फुटल बुलबस दुखल या जानी जानी बुझे नहीं सक्नु आँखा में जो जा हो या पानी बुझे नहीं सक्नु
अरब हुईटी लाखों के योजना सय में निपट। अरब हुईटी लाखों के योजना सय में निपलट। अरब हुईटी लाखों के योजना सय में निपलट। कहाँ कत्र हुई लिखई लगानी बुझे नहीं सकन। बुलबस दुखल या जानी जानी बुझे नहीं सकन। सोच बुलट सोजे मागठ अघाइल कुकुर। सच बुलट सोजे मागठ अघाइल कुकुर कुखुरा। ऊ पागल लोभी रहे या दानी बुझे नहीं सकनो। कहाँ कत्र हुई लिखई लगानी बुझे नहीं सकनो। सिराइल काठी नहीं बरठ सचिव मन बरल कैसिक। मंतिम शेर में छु। सिराइल काठी नहीं बरठ सचिव मन बरल कैसिक। झरगैल को पीला बन के खरानी बुझे नहीं सकनो। ऊ पागल लोभी रहे या दानी बुझे नहीं सकल सकनो। धन्यवाद यो गजलको लागि। बलेको चौस्तै जवानी अनौठो हँसायो फसायो हँसायो फसायो सबै थोक बचायो हँसायो फसायो सबै थोक बचायो। उही देख्छ सोझो छ बानी अनौठो भएको छ उस्तै लगानी अनौठो। छिटो फर्क छोरो छिटो फर्क छोरो मिरामी छ बाउ। छिटो फर्क छोरो मिरामी छबाऊ। छिटो फर्क छोरो छिटो फर्क छोरो बिरामी छबाऊ। रहेको छ धिक धिक परानी अनौठो उही देख्छु सोझो छबानी अनौठो। बसेमै सुगाभै बसेमै सुगाझै फलामे छ जाली। बसेमै सुगाझै फलामे छ जाली। समाई घुमेको मदानी अनौठो रहेको छ धिक धिक परानी अनौठो। छ बुझ्नै नसक्ने कहानी अनौठो बलेको छ उस्तै जवानी अनौठो। धन्यवाद। कार्यक्रमको फेरि पनि सरसर प्रगतिको कामना गर्दै यो बातचितकारले नयाँ थुप्रै साहित्यकार जन्माओस् भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। अरू धन्यवाद कोपिलाजी हे। पहाड़ी समुदाय के संगरिया जे ठारू बोले नहीं जनठी तर अथरा मीट से अपन गजल थारू में ट्रांसलेट फील गजल है चाहे थारू भाषा में पढ़ना यहाँ प्रयास कर ली। हमरे हमारे भैया बाबुन है हमारे संग्रहण है फिर हमरे अनुरोध करना चाहती नेपाली या इंग्लिश या हिंदी कोनो फिर भाषा में लिखल रचना है हमरे थारू में ट्रांसलेट करी रही है हमरे वाचन करी कना चीज चाहिँ हाम्रो कोपिलाजी से फेरि सिके सकब। ढेर ढेर धन्यवाद बा कोपिलाजी हे। अपने एक ठो भारी इंस्पिरेशन फेन बनल बाटी हमार लौवा बाबू भैन के लाग। एकर पाछे मैं अपन रचना वाचन कर देहक लाग यहाँ बातचीत घर के बरघरिया ठाकुर प्रसाद करिया प्रधान जी हे यहाँ निम्तेना चाहतूँ। कृपया एक जोरदार ताली से वहाँ हे स्वागत करी। धन्यवाद ओढोसिका बहिनी इन्दु ठारू। तमने कहे हस मैं फेन भरखे अपन रचना कैल ये हमार संगारी कहले का लिखनू वस्ती कने मैं फिर का लिखनू कना हो तर मोर चाहिए एक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन मात्र ये खाल के मैं लिखले बाटू। ये कहीं शब्द नहीं मिलल रही तो हमने चाहिए स्वीकार देवी कना मैं अनुरोध करना चाहतूँ।
मैं लेखक तो कुछ नहीं हूँ, न तो कविकार, न तो अभी खास एक बुझाई के हिसाब से तुहार आनी के बानी आनी बानी कनाई चाहिए मोरिक शीर्षक हो इधर तुहार आनी के बानी आनी बानी तुहार आनी के बानी आनी बानी तुहार छोट कड मनक बड़ा विचार तुहार छोट कड मनक बड़ा विचार झट्ट हेरबोट लागत तुहिन एक विश्वविद्यालय हस सयों हजार झट्ट हेरबोट लागत तुहिन एक विश्वविद्यालय हस सयों हजार तू भरी भराओ किताब तू भरी भराओ किताब जाट से बहुत सीखे सीखना तू भरी भराओ किताब जाट से बहुत सीखे सीखना सगरवा हो या पहरवा सगरवा हो या पहरवा पार के लग लिरौसी से अंतना सगरवा हो या पहरवा पार के लग लिरौसी से अंतना तू मूड के फकीरा तू मूड के फकीरा तू मूड के फकीरा उत्सव के महीरा तू मूड के फकीरा उत्सव के महीरा तुहार आनी के बानी आनी बानी सुभाष तुहार दौना कबू नहीं ओरैना सुभाष तुहार दौना कबू नहीं ओरैना नैन तुहार ऐना स्वार तुहार शोर चाहिए म्यूजिकाना तुहार शोर चाहिए म्यूजिकाना तुहार छोट कट मनक बड़ा विचार तुहार छोट कट मनक बड़ा विचार झट्ट हेरबोट लागत तुहिन एक विश्वविद्यालय हस सयों हजार झट्ट हेरबोट लागत तुहिन एक विश्वविद्यालय हस सयों हजार लगैना लुगरा के रंग मेर मेराइक लगैना लुगरा के रंग मेर मेराइक ओमे करियुच मन परैना लगैना लुगरा के रंग मेर मेराइक ओमे करियुच मन परैना मन में देह में अंतरात्मा में के जानता कत्र डबंग रना मन में देह में अंतरात्मा में के जानता कत्र डबंग रहना काम न्याय के लग लेखना काम न्याय के लग लेखना जत्र सकले पढ़ना सामाजिक जीवन जीना उमंग उमंग के खानी उमंग के खानी न्यायिक लेखन के राजधानी उमंग के खानी न्यायिक लेखन के राजधानी मस्त से जीना युवा के प्रेरणा मस्त से जीना युवा के प्रेरणा तुहार छोट कट मन के बड़ा विचार झट्ट हेरबोट लागत तुहिन एक विश्वविद्यालय हस सयों हजार झट्ट हेरबोट लागत तुहिन एक विश्वविद्यालय हस सयों हजार धन्यवाद धन्यवाद रचना वासन के लाग बातचीत घर के बरघरिया जी अबेक लाग कृष्ण कुसुमिया जी है बोलेना से पहले मोरी कापन कविता प्रस्तुत करे जाइटू केकर हो ई साम्राज्य केकर हो ई साम्राज्य जहाँ मोर डाई महिन जलम देहेबेर असह्य पीरा हो के अय्या कह के चिल्लाई बेर जोर से ना चिल्लाओ कह के आदेश पाइल रही डाई हुकन चित्कार करना में लगाम लगैना केकर हो ई साम्राज्य जहाँ मोर दाई हे बड़ा छोट लसरी में बांध गिल रहे जहाँ मोर दाई हे बड़ा छोट लसरी में बांध के निर्धारित दायरा से दूर नहीं जाई कह के खूंटी में ठोक गिल रहे डाइन हे खुला नेंगे नहीं देहक लाग लोहक खूंटी में ठोकुया केकर हो ई साम्राज्य जहाँ मोर दाई हे हुंकार पहचान ओ सामर्थ्य के सजना मैना गायक निषेध कर गेल जहाँ मोर दाई हे हुंकार पहचान ओ सामर्थ्य के सजना मैना गायक निषेध कर गेल ओ साली भाटू के गीत किल गाई सिखाइल डाइन हे आपन मुक्ति के गीत गाई छेकुया ओ राह रंगी राग में कैद करुया केकर हो ई साम्राज्य के हो ऊ जे मोर दाइक जीव छिनल मोर दाइक मुहे में बुज्जा लगाइल ओ ऊ बेला किल खोलना अनुमति देहल जोन बेला मोर दाइक आवाज ले
ओकर साम्राज्य के पक्ष पोषण करत। ऐसी मोर दाई मौलिक आवाज है गुमनाम बना गेल। मोर दाई माटी में गोबर और भूसा मिला के घर एक भिटा और बहरी निपे बेर ठोर से अपन आवाज फिर निपली। डिहुआ खेटुआ में आलू और मकई गबेले बेर छोट छोट ढेला संगे ठोर से अपन आवाज फिर गबेली। बरखा में बियार लगाए बेर माटिक भिटर बियारिक जर दबाई असक ठोर से अपन आवाज फिर दबैली। निपट निपट गबेलट गबेलट डबाइट डबाइट सक्कू डाई हुकरे आवाज विहीन बना गिले। सक्कू डाई हुकन के आवाज गुमनाम बना गिल। मैं सोचत हूँ आज के दिन मुहम बुज्जा लगा गिल डाई हुकरे कैसी अपन भाषा हस्तांतरण करही। कष्टों के कई डरले से फेन हुकार मुहम बुज्जा लगुया साम्राज्य के भाषा हस्तांतरण करही। कि हजारों बरस पहले निब गिल गबेल गिल दबा गिल ऊ बेला हिम्मत करे नहीं सकल प्रतिरोध के भाषा हस्तांतरण कर रही। धन्यवाद। अंतिम साहित्य वाचन के लाग कृष्ण कुसुमिया जी है यहाँ निम्तना चाहत हूँ। एक जो ठपरी बजा के वहाँ स्वागत करें। देवर देवर धन्यवाद इंदू जी। सक्कु जहन स्यावा ढुवाग राम राम। धेर वर्ष पास अपन विद्यार्थी जीवन के पास मई आज भिन्सार्ख निमांग थारू साहित्य के लाग चाहिँ जग्नु ये अवसर के लाग चाहिँ आयोजक जीवन प्रति धेर धेर आभार प्रकट कर चाहटु। मोर शैली कना शीर्षक के मोर गजलबा छमछम करना मोर छैले हाथ भर चुरिया मन परल। छमछम करना मोर छैले हाथ भर चुरिया मन परल। कुइलरिया आश स्वर धनिक घ्याच भर गुरिया मन परल। कुइलरिया आश स्वर धनिक घ्याच भर गुरिया मन परल। मुसुक्क मुस्कैना मुसुक्क मुस्कैना फुन्ना हिलैना छैले पख्र भर तर्या मन परल। मुसुक्क मुस्कैना फुन्ना हिलैना छैले पख्र भर तर्या मन परल। कभु लजैना कभु डरैना मनक बाट कभुनै कना छैले नाक भर नथ्या मन परल। नाक भर नथ्या मन परल। कभु लस्कैना कभु मस्कैना ओट्टी जाख घुमक हेर्ना। कभु लस्कैना कभु मस्कैना ओट्टी जाख घुमख हेर्ना छैले ठेक्न भर कुर्या मन परल। कभु लस्कैना कभु मस्कैना ओट्टी जाख घुमख हेर्ना छैले ठेक्न भर कुर्या मन परल। मुरी मन उज्जर टोपी पाउ मन पौवा पटकैती मनरा बजैना ओ नखरैना ऊ थर्या मन परल। मुरी मन उज्जर टोपी पाउ मन पौवा पटकैती मनरा बजैना ओ नखरैना ऊ थर्या मन परल। मोर अन्तिम लाइन भाव है गजलके। घोङ्गी गेक्टा ढिक्री घोङ्गी गेक्टा ढिक्री खैती मिठ लग्ना ऊ खर्या मन परल। घोङ्गी गेक्टा ढिक्री खैती मिठ लग्ना ऊ खर्या मन परल। टम्म चोल्या छनछन्डिक फुल फुन टम्म चोल्या छनछन्डिक फुन्या उज्रर गोन्या ओ तुहार फर्या मन परल। टम्म चोल्या छनछन्डिक फुन्या उज्रर गोन्या ओ तुहार फर्या मन परल। हस् धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण कुसुमियाज्यू यहाँके रचना वाचनके लाग। यही सँगे रचना वाचनके क्रम आजके लाग हाम्रे ओराइल आजके लाग र हाम्रे सबैजना नियमित ऐना सङ्ग्रहण र लावा सङ्ग्रहण है फेन जोरक लाग। हाम्रे प्रत्येक महिनाके अन्तिम शनिबार बिहानके 7 बजे थारू छात्रावास बातचित घरके कार्यक्रम प्रत्येक महिना साहित्य कार्यक्रम रहट कैकन चाहिँ हाम्रे नै बिस्राइ परल र लावा लावा सङ्ग्रहण है फेन यहाँ हाम्रे जोरी र तमनही समय कहती आयल बाटु कि जेकर आपन रचना बा कलेसे मजा
र जेकर आपन रचना नै हो तर औरेक रचना पहरना मन भएकाले से फेन यहाँ हुक्रे नेपाली हिन्दी इङ्ग्लिस कोनो फेन भाषा के रचना हे थारुमा ट्रान्सलेट कैकन थारू संघरेन चाहिँ सगभर थारुमा पढी कनामै अनुरोध गर्न चाहटु र हमार जे पहाडी समुदाय से फेन संघरेन आइलबाटै कोपिलाजी प्रवीण जी वहाँ हुक्रे चाहिँ आकुर संघरेन हे फेन जोरबी यहाँ हुक्रे फेन आइटी रवि कन अनुरोध गर्न चाहटु र बातचीत घर के ई कार्यक्रम है और निरंतर रूप में आगे बढ़ाएकला दिगो बढ़ाएकला दिगो बनाएकला चाहिँ सकुन के साथ सहयोग माया सपोर्ट रहे कना फेन अनुरोध करती आप सावन के अंतिम शनिवार में बिहान के 7 बजे यहाँ भेट चाहना ढरती चाहिँ आज के ई कार्यक्रम ओराइल कना जानकारी कराइन चाहटूँ। धन्यवाद।